अगला टॉपिक एक छोटा टॉपिक था, अगली टॉपिक हम बात करते हैं फाइल मेनू बार। जब फाइल मेनू बार में आप जाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आपके द्वारा यूज किया गया टेम्पलेट शो करेगा, यहाँ पे पिन लिस्ट जी होगा, यहाँ पे लिस्ट होगा। लिस्ट दो तरह की होगी, एक पिन मतलब कि मैं जो बार बार ओपन करता हूँ उसको मैं पिन कर दू यहाँ पे, इसको पिन पे क्लिक करके तो पिन लिस्ट में चला जाता है। देन सेव इट मी, न्यू पे आते हैं तो न्यू वर्कबुक के साथ बहुत सारे टैंपलेट आपको मिलेंगे। टैंपलेट आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिल, तो मुझे बिल का टैंपलेट आपको दे देना है, आपको बस क्लिक करके डाउनलोड करके कुछ इस्तेमाल करना है। तो बने हमारे सिस्टम ओके देखिए, ओपन में आते हैं तो आपको यहाँ पे ओपन का लिस्ट थोड़ा सा लंबा मिलेगा, इसमें फोल्डर लिस्ट भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इन्फो में आपको फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बाकी वर्जन वगैरह मिलेगा। इसमें फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, वन ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, कॉपी पाथ कर सकते हैं, कॉपी लोकल पाथ कर सकते हैं, फाइल लोकेशन ओपन कर सकते हैं, उसके बाद उसकी फाइल की प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। जी सेव, फाइल को सेव करना सिंपल सा, और सेव एज भी आपको पता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी जी फाइल को सेव करें तो कोडिंग वाली फाइल को कभी भी एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करें। ठीक है, ओके उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट भी सिंपल है, प्रिंट कर सकते हैं आप, इसमें कोई खास नहीं है। शेयर, आप इसको डायरेक्टली मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। उसके बाद क्लोज अकाउंट में आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ऑप्शन के अंदर छोटी मोटी चेंजिंग होती है, जैसे कि आप डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होना चाहिए, व्यू कितना चाहिए, कितने नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट होने चाहिए, ऑथर नेम क्या होना चाहिए। उसके बाद ऑफिस का थीम कलरफुल है, तो जैसे मैंने ब्लैक कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो गया। जी एक्सेल ऑप्शन में आप आते, इसको वापस कलरफुल कर देता हूं मैं, वापस कलरफुल हो गया। उसके बाद यहाँ एक्स ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शंस के अंदर में आपको जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अगर मैं R1C1 रेफरेंस सेट पे क्लिक करूँ तो जो ABCD है 1 2 3 में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा में कोई खास नहीं है। हाँ, प्रूफिंग में आते हैं तो आप ऑटो पेक बना सकते हो, जैसे कि मैं DS लिखूंगा इस पे तो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए DS लिखा डेली सेल्स रिपोर्ट, जी MS लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, DL लिखा तो DL ND, ND लिखा न्यू दिल्ली। तो ये सब चीजें हमने क्या किए हुए हैं, प्रूफिंग में जाके क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ ऑटोब्रेक में यहाँ पे डालिए कि मुझे क्या करना है, इसमें क्या से रिप्लेस करना। ठीक है, जी फिर सेविंग पे आते हैं तो आप अपना डिफॉल्ट फाइल सेविंग फाइल फॉर्मेट चूज कर सकते हैं कि मेरा फाइल डिफॉल्ट किस में सेव हो, और जब भी आप सेव करते हैं तो आपको माई डॉक्यूमेंट दिखता है। मैं माई डॉक्यूमेंट की जगह पे कुछ और चीजें, कोई और डूल लोकेशन यहाँ से ला सकता हूँ। ऑटोमेटिकली हर जी 10 मिनट पे आपका फाइल सेव होता है इस लोकेशन में, जब आपकी फाइल सिस्टम में गलती के कारण बंद हो जाता है तो आपको वापस कर देता है। जी लैंग्वेज एक्सेसरीज खास नहीं। हाँ, एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है, जैसे कि मैं एंटर मारता हूँ तो कर्सर डाउन जाता है, तो डाउन की जगह पे लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप जी चाहते कि हम जो कर्सर को पकड़ के ड्रैग करते हैं यहाँ से उसको ड्रैग हटा सकते हैं। कुछ तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। जैसे जी राइट टू लेफ्ट करना है, सीट को लेफ्ट टू राइट करना है, फॉर्मूला बार यहाँ से जी हटाना है लाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस जो स्क्रॉल बार जो होता है ये हटाना है, सीट का नेम जो दिख रहा है वो नहीं शो करना है, ये चीज यहाँ से चीजें कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसी कॉलम का जी हेडर हटाना है, पेज ब्रेक हटाना है, जीरो शो नहीं करना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है एडिट कस्टम लिस्ट, क्या है कि हम अपना ड्रैग लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप जैन लिखते हैं और जैन लिख के जब नीचे ड्रैग करते हैं तो आपको जैन फैब आता है। ठीक है, संडे लिखते हैं तो संडे मंडे आएगा, तो क्या मैं एक टीम का नाम लिखूं बाकी टीम मेंबर का लिस्ट आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, तो आपके सिस्टम में पूजा पूजा आएगा लेकिन मेरे सिस्टम में एक लिस्ट आया। क्यों,
क्योंकि मैंने फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शंस में गया और यहां एडवांस में गया और यहां पे हमने एडिट कस्टम लिस्ट में जाके न्यू लिस्ट पे जाके हमने लिस्ट बना दिया। देखिए मैंने यहां जैसे बना रखा हुआ, ठीक है जी, ये लिस्ट आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है कस्टमाइज रिबन, मतलब कि आप जो ऊपर मेनू बार दिख रहा है ना, किसी भी मेनू बार को हटा सकते हैं, ला सकते हैं। मेनू बार में बहुत जी। सारे ऐसे ऑप्शन है जो मेनू बार में है नहीं, देखिए कमांड इज नॉट रिबन, आप देख सकते सारे ऑप्शन नहीं है, तो किसी भी मेनू बार में ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐड करने से पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा, न्यू ग्रुप पे क्लिक कीजिए और ऐड कर, ओके ठीक है। और उसमें कोई खास है नहीं, तो हम जो है कल से आपके साथ होम मेनू बार करेंगे और कल की टॉपिक है हमारी पेस्ट स्पेशल।